अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शुगर एंड स्पाइस फूड में ज़ेबरा चॉकलेट केक। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। 125 मिलीलीटर मैंने ऑयल लिया है, 150 ग्राम मैदा, 125 ग्राम चीनी, 125 मिलीलीटर दूध, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून वनीला एसेंस, कोको पाउडर 50 ग्राम, चॉकलेट 50 ग्राम, 2 अदद अंडे। चॉकलेट में डबल बॉयलर में ना इसको मेल्ट कर लूँगी। इस तरह पानी गर्म है और ये मैं डाल रही हूँ कि जब तक मेल्ट हो जाएगी। ये देखें 2 अदद अंडे मैंने तोड़ के इसमें डाल दिए हैं। ये मैं फेंट रही हूँ, अच्छी तरह क्रीमी हो जाए। साथ साथ मैं इसमें चीनी ऐड करती जा रही हूँ। चीनी और क्रीम अच्छी तरह बीट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूँगी। मैंने ग्राम में इसलिए आप लोगों को बताएं, किसी का मग छोटा होता है चाय वाला, किसी का बड़ा होता है, इसलिए वो पता नहीं चलता। या मेजरिंग कप, आप मेजरिंग कप ले लें तो ना उससे सही ना आप वो रहता है। इसमें बेकिंग में थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो तो ये बेकिंग ख़राब हो सकती है। ये देखिए मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें। ये अच्छा अच्छी तरह बीट हो जाए, इस क्रीमी शक्ल में आ जाए। मैदा डालूंगी इसमें। मैदा छान लीजिएगा, कोको पाउडर को भी आप अच्छी तरह छान लें, इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देखें बेकिंग पाउडर और मैदा मैंने शामिल करके इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। कोको पाउडर हम एंड में डालेंगे, इसको हाफ हाफ कर लेंगे। हाफ हम चॉकलेट वाला कोको पाउडर का बनाएंगे और हाफ हम अलग से वाइट वनीला का। दूध हमें जितनी ज़रूरत होगी ना इतना हम ऐड करेंगे, क्योंकि कोको पाउडर जब इसमें जाएगा तो ये फिर लिक्विड, अब ये लिक्विड लग रहा है, जब हम कोको पाउडर इसमें डालेंगे तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये देखें मैंने ये बीटर अलग अलग कर दिए थे, हाफ इसमें और हाफ इसमें। अब मैंने इसमें चॉकलेट डाल दी और ये मैं कोको पाउडर डालूंगी छान। इसको मिक्स करके तो हम इसको पैन में स्टैंड रख के मैंने देखा 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब मैं ये बैटर जब तक ये वो प्री हीट हो जाएगा और मैं ये मोल्ड में डालने लगी हूँ। एक चम्मच हम ये डालेंगे चॉकलेट इस तरह, और 1 चम्मच इसके ऊपर ऐसे, फिर 1 चम्मच इसका डालेंगे। इसी तरह हमने सारा करना है एक एक चम्मच के साथ। चॉकलेट है इसमें, चॉकलेट का टेस्ट अच्छा आएगा। कोको पाउडर है, बिल्कुल सेंटर में बीच में करके इस तरह डालना है आपने एक एक करके। ये देखें इस तरह मैंने डालते डालते एक एक चम्मच से ये पूरा फिल कर लिया है। और ये मैं बेक करने, ये विदाउट ओवन में आपको बताऊंगी, और ये मैं पतीले में बेक करने लगी हूँ। पतीले में रखने लगी हूँ 20 से 25 मिनट तक, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है टाइम, क्योंकि
आप बीच में चेक कर लेंगे एक दफा, 25 मिनट बाद इसको एक दफा चेक करेंगे। ये देखें तकरीबन ये 40 मिनट में हमारा जेबरा चॉकलेट केक तैयार हुआ है। ये देखें बिल्कुल सही है, ये देखें अंदर तक पक गया, बिल्कुल ठीक पका है ये। अब मैं निकालने लगी हूँ, ये देखें मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें जेबरा चॉकलेट केक तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।